अब रुक करते हैं मंडला से इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां बिछिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष पर हुआ हमला। रामभजन पटेल और उनके बेटे भतीजे पर हमला, कांग्रेस नेता का पड़ोसियों पर हमले का आरोप। अंजनिया पुलिस चौकी में कराई दर्ज शिकायत, अंजनिया पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी। इस पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ते हैं मंडला से हमारे सहयोगी सलीम खान जी के साथ। सलीम जी बताइए, क्या है पूरा मामला? जी, बीती रात तकरीबन 10:30 से 11 के लगभग का मामला है। ब्लॉक अध्यक्ष के छोटे बेटे दिवाकर पटेल अपने गांव से मंडला की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में उन्हीं के पड़ोसी हैं ओमकार पटेल, जो बेगनार कार से आमने सामने से टक्कर मार दी, जिससे उनका बेटा दिवाकर पटेल बुरी तरीके से घायल हो गया, जिनको प्राथमिक उपचार के लिए अंजनिया हॉस्पिटल में लेके आए और पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज कराए हैं। अब इनका विवाद पुराना शायद है, क्या है कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है जी। और उसके बाद घर पे ब्लॉक अध्यक्ष रामभजन पटेल आराम कर रहे थे, तो विवाद सुन के बाहर आए थे घर के बाहर, तो इनके साथ भी जीना झपटी हुई, जिससे इनको भी मामूली चोटें आई हुई है। तो मुलाजा के लिए इनको पीछे अस्पताल भेजा गया है अभी, और पूरे मामले की जाँच अंजनिया पुलिस चौकी के चौकी प्रभारी है पंकज विश्वकर्मा जी को कर रहे हैं जी। क्या पूर्व में भी किसी तरह की मारपीट या किसी तरह की रंजिश सामने आई है? वो जांच के दौरान पता चलेगा, अब जांच तो चल रही है, पुलिस के द्वारा जांच की जा बिछिया ब्लॉक में कांग्रेस के अध्यक्ष पर हमला, रामभजन पटेल और उनके बेटे और भतीजे पर हमला हुआ है।